वन प्लस बी वाई वन, एक्स वन प्लस बी वाई वन इक्वल टू कैपिटल एम, एक्स ए टू एक्स बी टू बी वाई बी वाई टू, टू इक्वल टू कैपिटल एम है, फिर डी एन प्लस एम वाई डी एक्स एल एक्स सर, एल एक्स वन प्लस एम वाई वन वन, हाँ एल एक्स टू प्लस एम वाई टू वन, एल एक्स एल थ्री एक्स थ्री प्लस एम वाई थ्री इक्वल्स टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स थ्री। ठीक है, तो दिस वॉज अ, पहले मैं प्रूफ कर देता हूं फिर आप बताना कि ये आपके एलपीपी से कैसे रिलेटेड है, क्यों दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ बहुत सिंपल है, इससे क्या मालूम चल रहा है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, बताओ। Yes. ये मालूम चलता है क्या लाइन की क्या इक्वेशन होगी, यहां तक सभी को क्लियर है एवरीबॉडी? Yes, sir. फाइन, नाउ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को माइनस कर दो क्या आएगा, ए इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस बी इंटू वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। और जो ग्रुप बनाया है उसका पर्पज यही है कि आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो, डाउट आता है पूछ लो, कोई नहीं सॉल्व करेगा मैं सॉल्व करूंगा, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अच्छा अब बताओ मुझे ये चीज क्यों सही है, वाई इज दिस करेक्ट, एनीबडी कम ऑन एक्सप्लेन टू मी, वाई इज दिस करेक्ट, स्लोप ऑफ द सेम लाइन। हाँ ये सब स्लोप है ना, ये सब स्लोप सेम लाइन की स्लोप है। अच्छे से भेज सकते हो, कौन सा क्वेश्चन अच्छे से भेजना है? ठीक है, तो अभी बिकॉज ये सारे के सारे क्या लिखे हुए, स्लोप लिखे हुए ना, तो नाउ व्हाट कैन आई राइट फ्रॉम हियर, बताओ इसी चीज को व्हाट कैन आई राइट, कैन आई राइट लाइक दिस, ये और ये बराबर है, दिस एंड दिस आर इक्वल, यस और नो? यस सर। नाउ अगर ये और ये बराबर है सो व्हाट हैपेंस, अगर ये और ये बराबर है सो व्हाट हैपेंस, तो मैं इसको वापस से सॉल्व सिंप्लीफाई करूंगा, क्या आएगा सिंप्लीफाई करने, बताइए। अच्छा आप लोग को ऑनलाइन जो कल पढ़ाया था लेक्चर यूट्यूब पे मिल गया था ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, बी वाई वन प्लस ए एक्स वन इज इक्वल टू बी वाई थ्री प्लस ए एक्स थ्री, चमका? यस सर। तो अब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन की वैल्यू क्या है, एम दैट इंप्लाइज, क्या प्रूव हो गया फिर इससे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एम है ना। अब मुझे बताओ हाउ इज दिस रिलेटेड टू एलपीपी, कॉपी करो क्वेश्चन को और सोचो एलपीपी पे कैसे रिलेटेड है, हाउ इज दिस रिलेटेड टू एलपीपी, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके बोर्ड्स में है और आपके मेंस में एक क्वेश्चन आता है। हाउ इज दिस टॉपिक रिलेटेड टू एलपीपी, कॉपी कर लिए? नहीं सर कर रहे। आपको एक हिंट दू, चलिए मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा सीधे, हिंट क्या देना है, कॉपी करिए, चलिए कॉपी करिए।
कॉपी कर लिया क्या? एक मिनट. हाँ कॉपी कर लो चलो. हो गया. चलो इसका स्टेट एलपीपी में इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बताओ. एनीबॉडी सोच पाया कोई एलपीपी में क्या इंपैक्ट आएगा? इफ ध्यान देना, इफ अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बोलो इफ अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस by has max या min at two points. कल देखा था हमने एग्जाम्पल, दो पॉइंट पे भी आ रहा था. देन इट हैज सेम मैक्स या min एट All points of line segment AB. यहां तक क्लियर है क्या? देखो, हेलो आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. दूर से आवाज आ रही है ऐसा लग रहा है. अरे सर, एवरीबॉडी इट इज ऑडिबल और नॉट? हाँ सर आ रही है ना. हाँ तो ध्यान दो ना, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ax plus by, अगर उसका वही तो मैंने लिखा अभी अभी. देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या था आपका, मैंने क्या बोला था कि ax1 plus by1 equal to क्या था, m था मैक्सिमम. ax2 plus by2 पे भी वैल्यू क्या बोली थी मैंने, मैक्सिमम है ना. फिर मैंने क्या प्रूफ किया बताओ, कि जो लाइन सेगमेंट दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है उसी का एक पॉइंट लिया था ना मैंने. क्या लिया था मैंने? x3 y3. और मैंने क्या प्रूफ कर दिया था बताओ, कि ax3 plus बोलो by3 की वैल्यू भी क्या है, m m है. चमका कि व्हाट वाज द इंपैक्ट इन LPP. सो इन LPP प्रॉब्लम, इफ यू हैव सेम वैल्यू एट टू मैक्सिमा, सेम वैल्यू एट टू कॉर्नर पॉइंट्स, देन द LPP ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्स दैट वैल्यू at all the points of the line segment. It attains the same value at all the points of line segment. Come on yaar, line segment AB. Joining both those points. AB, bolo bhai, clear hai? Sirf wo point reh jayega na, koi region nahi banega. Pure? क्या बोल रहे हो बोलो. मतलब वो फिर लाइन ही बन जाएगा ना, जैसे हम लोग को पहले रीजन मिला था मिनिमम और मैक्सिमम. अरे अरे नहीं, हमें पहले भी रीजन थोड़ी ना मिला था, हमें तो फिजिबल रीजन मिलता है ना बस. चलो मान लो कि यहाँ पर फिजिबल रीजन आया आपको, मान लेते हैं ठीक है, आपका यहाँ पर भी मैक्सिमा है और आपको यहाँ पर भी मैक्सिमा आ गया. कल हमने देखा था ना एग्जाम्पल में कि दो पॉइंट्स पे वैल्यू आ गई थी. अब आपको मैं क्या सिखा रहा हूं आज, कि इस वाले सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट लोगे तो क्या रहेगा, सेम वैल्यू एम आएगा. चमका कल भी मैक्सिमम के लिए हमने वही निकाला था ना, वो रीजन ही निकाला था हमने. यहां तक क्लियर है क्या?
हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या अच्छे से? यस हाँ सर। ठीक है, तो अभी डाउट डिस्कस करते, मतलब करें बेटा इसको। यस सर। यस सर। देखो क्या होता है ना कि मैं ये टॉपिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ शुरू में, ठीक है? नॉर्मली कोई नहीं पढ़ाता है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एलपीपी से एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से दो क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपके हैं जो कि बोर्ड्स में इसमें आते हैं, मेंस में आते हैं, और इसमें से दो टॉपिक बोर्ड्स के हैं, ठीक है? स्मार्टनेस क्या होती है, सिंपलेस्ट टॉपिक पहले पढ़ लेना चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग बना लेना चाहिए, ठीक है? अभी आप मुझसे डाउट बोलो, 12.1 के डाउट्स बोलिए। हाँ 12.1 के डाउट्स बोलो। एट्थ वाला, z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन 100, 2x माइनस वाई लेस देन 0, 2x प्लस वाई लेस देन 200, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0। तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ गया, आंसर नहीं आ रहा क्या, क्या हो रहा है बताओ? सर आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा तो इसका फिजिबल, तो आंसर नहीं है आप ग्रुप, मैं डिस्कस कर देता हूं, इसका फिजिबल रीजन बताओ क्या बन रहा है। एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन 100, तो फिजिबल रीजन, समबडी हेल्प मी, आपकी डिस्टर्बेंस आ रही बहुत ज्यादा। एक्स इज 100, वाई इज 50, इसका डाउट है आपके यहां से, बहुत ज्यादा वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है? 0.50, तो रीजन कौन सा आएगा बाहर, अगर मैं गलती करता हूं बता दिया करो। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो डाल देंगे ना पनी वाला पॉइंट, तो आ जाएगा नेगेटिव, हमें चाहिए नेगेटिव ही रीजन, तो हमारे लिए ये आ गया। फिर आया 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन 200, तो x इज 100 एंड y इज 200, ठीक है? नाउ हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो ये वाला सेक्शन आ गया। फाइन, सर 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन 0, उसका एरो नीचे की तरफ आना चाहिए। नहीं देखो नीचे तो आ रहा है, क्या डालो, मैं तो ये पॉइंट डाला 0.1, 0.1 पे नेगेटिव बन रहा है सर। हाँ बराबर है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये ऐसा बन रहा है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मेरे ख्याल से ये रीजन बन रहा है मेरा, तो हो सकता है सही, हो सकता है कि मैं ध्यान से तो किया है, ट्राई किया, गलती नहीं होने का। ये वाला पॉइंट कितना है, 0.50, ये वाला पॉइंट 0.200, ये बताओ तो कॉर्नर पॉइंट कितना आया, 50.100, और ये वाला रे 40, तो अभी अपना टेबल बनेगा कॉर्नर पॉइंट्स का, 20.40, 50.100 तुमने बोला है, और 0.50 बोला है, और 0.1 बोला है, और दिस इज x प्लस टू वाई, तो x प्लस टू वाई में कितना आता है, 280, 100 और 50, 100, 200, 250, 0 और ये 100 और ये 2 है, ये 0.1 थोड़ी ना कोई पॉइंट था, मैंने गलत लिखा है ना, ये 0.200 था, तो ये आ जाएगा 400। अरे ये क्लियर है क्या, ठीक है? तो क्या करना है, क्वेश्चन मैक्सिमाइज की मिनिमाइज दोनों करना है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है मेरी, चमक रहा है क्या, और मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, बता दो सही है गलत है। करेक्ट। अरे इतना क्लियर है क्या, और एरिया बाउंडेड है तो हम लोग को फर्दर चेक करने की, एरिया बाउंडेड है तो फर्दर चेक करने की आवश्यकता
नहीं है, नहीं है। अब अभी जो पढ़ाया था थ्योरम एलपीपी वाला, उसके हिसाब से क्या मालूम चला, यहाँ पे दो मिनिमा आ गए ना, 20.40 और 0.50 दोनों हाँ। पे सेम वैल्यू आई है ना, 20.40 और 0.50 सेम वैल्यू आई है ना, क्या मालूम चला। अब इस लाइन सेगमेंट पे जो भी पॉइंट लोगे उन सब पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आगे बोलो। सर 10 9 ज्यादा अच्छा था, 9th और 10th दोनों कर लेते, चलो ठीक है। इसको कॉपी करना है, किसी को कॉपी कर लो। रैप करें, हेलो हेलो जी, रैप करूं? यस सर। कौन सा करना है? नाइन्थ वाला। जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई। ऊर्जा सारा बन गया, एक डाउट है सर, वो टेंथ वाला मेरे को पूछना था क्योंकि उसमें मेरे को बाउंडेड रीजन नहीं आ रहा है। बाकी हाँ, तो बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है तो क्या हो गया, अनबाउंडेड है। हाँ भाई, नहीं मतलब सर वो ग्राफ के ऑपोजिट साइड्स पे था, कोई कॉमन रीजन ही नहीं बन रहा है टेंथ वाले में, इसलिए वो पूछना सर। दो अनबाउंडेड रीजन ठीक है, तो इसका मतलब फिजिबल रीजन नहीं है ना बेटा। हाँ सर, नहीं है फिजिबल रीजन। हाँ तो फिजिबल रीजन नहीं है तो सॉल्व ही नहीं करेंगे ना, फिजिबल रीजन नहीं है तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, काम खत्म हो गया वहीं पे। नो मैक्सिमम मिनिमा, इफ देयर इज नो फिजिबल रीजन वी डोंट सॉल्व, वी सॉल्व ओनली इन द फिजिबल रीजन। ठीक है, एनीवेज पर 9th तो कर लें। नाइन्थ में क्या क्वेश्चन है भैया? नाइन्थ में क्या है? ये 5 और 5 है बेटा, ये 0.5 है और ये क्या है, सॉरी क्या होगा, ये 5.0 और ये क्या है, 0.5। ठीक है, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर टू 6 क्या होगा बोलो, एक्स का वैल्यू 6 है। अबे बोलो, हेलो, नेट गया क्या? हाँ सर, करेक्ट। हाँ, तो अपने कोई अपने को ये रीजन चाहिए है ना, फाइन। अब इस वाले में कैसा है, 0.3 तो इसका रीजन अपन को अंदर नहीं बाहर चाहिए, तो और एक्स ग्रेटर देन 3 तो ये आ गया यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा y1x4 4.1 आ रहा है। ठीक है, सही है क्या? हाँ सही है, और फाइन। तो एक्स अपना 3 से बड़ा और ये सब इधर, ये सब इधर, ये सब इधर, तो अपना कैसा आ गया, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड की आ गई बात है ना। अभी भाई अपना कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ना पड़ेगा, तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये 3 है ना, ये 3 है और ये लाइन क्या है, 5 वाली, तो y is 2, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, 3.2 4.1 बोलो बेटा 6.0, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, डालो वैल्यू, 1 माइनस 2 और माइनस 6, बोलो क्लियर है। हम लोग करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3.2 कैसे आया, इस ये लाइन है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कर दिया इस वाली लाइन के साथ, ये वाला पॉइंट किससे बन रहा है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से ना, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बताओ, तो अभी ये आ गया हमारा मैक्सिमम, लेकिन इसको मैक्स नहीं बोलते है ना, क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन 1 का लाइन प्लॉट करना पड़ेगा, बोलो भाई क्लियर है क्या, और देखना पड़ेगा कि अगर कॉमन आ गया तो नो मैक्सिमा, कॉमन नहीं आया तो यस मैक्सिमा है। चमका, लेट्स प्लॉट दिस लाइन। तो क्या आ रहा है, वाई जीरो पे एक्स इज 1, वाई जीरो पे एक्स इज माइनस 1, वाई जीरो पे एक्स इज माइनस 1 है ना, एंड वाई जीरो पे एक्स इज माइनस 1 एंड एक्स जीरो पे वाई इज हाफ, वाई इज हाफ, तो ये लाइन आ रही है दोस्त। अरे ये बात चमकती है क्या, है ना। अभी क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए ना, तो अपन पहले अगर ओरिजिन डाल के चेक कर लें तो क्या मालूम चल रहा है कि ये वाला साइड नेगेटिव है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला साइड ना,
कोई अंतर नहीं पड़ता, अपने को कौन सा रीजन आ गया, ये रीजन आ गया ना, तो इसका और फिजिबल रीजन का इंटरसेक्शन है कि नहीं है? है सर। इसका मतलब अगर फिजिबल रीजन और इस इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन है, इसका क्या मतलब होता है? मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात चमकती है? है भाई, क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? यस सर। कॉपी करना है, रब करना है? आपको टेंथ वाला सॉल्व करें, ऊर्जा चमक गया आपको? सर समझ गया। ठीक है, नाइन्थ वाला रैप करें, हो गया, कॉपी कर लिए? तने बनाए क्वेश्चन, नहीं बनाए बेटा? तने? हाँ सर, हुए। डाउट कितने क्वेश्चन डाउट थे? नहीं करे सर, टेंथ में कर लूँगा। टेंथ, ठीक है। फिजिबल रीजन नहीं बनता तो अपन बात ही नहीं करते, नथिंग एग्जिस्ट। रैप करें नाइन्थ वाला। हाँ सर। नाइन, ठीक है। एक्चुअली मैंने जो कॉमन ग्रुप बना दिया ना पूरा, वो दिक्कत कम है। आप लोग को क्वेश्चन कैसे भेजूंगा मैं, फिर आपके में पढ़ाता हूँ ना मैं तो। क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो। अ मैन आप लोग लिख सकते हो कि मैं क्वेश्चन लिख दूं बोर्ड पे। अमैन, चलो लिख देता हूं। अमैन विशेष टू मिक्स टू, आपको ना टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स of mixture contains at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C। ठीक है। Now, food one contains 2 kg, food one contains 2 units per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin B। अरे यार खत्म नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो विटामिन सी, फूड टू कंटेन्स 1 unit kg ऑफ विटामिन ए एंड 2 units kg ऑफ विटामिन सी। It costs rupees 50 per kg to purchase food one and and 70 per kg to purchase food two। Minimize the cost of such mixture। पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर देखते हैं।
सर वो आपने क्या लिखा है, टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ फूड्स, अ मैन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेंट्स एट लीस्ट एट यूनिट्स contains at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. Food 1 contains 2 kg vitamin A, 1 unit per kg vitamin C. Food 2 contains vagara and vagara. It costs 50 per kg to purchase food 1 and 70 per kg for food 2. आप क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अदरवाइज कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में। आप क्वेश्चन कॉपी करने की बस मेहनत करो, पहले कॉपी कर लिए। हेलो, क्वेश्चंस कॉपी कर लिए क्या सर? एक सेकेंड। यस सर। क्वेश्चन कॉपी करके इस पूरे क्वेश्चन को एक टेबल फॉर्मेट में या एक पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। कॉपी कर लिए।
हाँ सर सबने कॉपी कर लिया यस सर यस सर यस सर चलो भाई अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको इस डेटा को 290 है आंसर इसका 290 नहीं है ठीक है आओ देखते हैं पहले इसको डेटा फॉर्मेट चेंज कैसे किया जाए हाउ टू बेस्ट चेंज दिस इनटू डेटा हैंडलिंग का प्रॉब्लम है एक्चुअल में ये हाउ डू यू चेंज दिस सारे इंफॉर्मेशन को कैसे अरेंज करोगे कि सारा इंफॉर्मेशन एक बार में सही सही आ जाए बताओ सर विटामिन ए और सी का अलग अलग ब्लॉक और फूड वन फूड टू सर हाँ बोलो एक विटामिन ए और विटामिन सी हाँ जैसे फूड है ना अपने को पहले डिसाइड करना पड़ेगा मिक्सचर में कितना कौन सा है अपने को जो फूड का मिक्सचर है उसमें डिसाइड कर लेना अपन जो मिक्सचर बना रहे हैं मिक्सचर में किस फूड का कितना पार्ट है बोलो सर तो फूड वन में 2x plus 1 कर सकते हैं फूड वन में x फूड वन सुनो फूड वन को x मान ले और फूड y फूड टू को y मान ले है ना ठीक है सर हाँ अभी बताओ अभी जब से ये मान लिया मैंने अभी यहाँ पे अगर मैं विटामिन लिख दूँ विटामिन ए तो फूड वन में विटामिन की क्या कैसे है फूड वन में विटामिन का क्या कैसा है बताओ 2 units per kg 2 units ये मेरा x kg है ये मेरा y kg है ठीक है क्या होगा बोलो 2 units रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ यहाँ बताओ विटामिन सी का कैसे है 1 or 2 डाटा को ऐसे लिखो और कुछ दिया है ना फूड में रिक्वायरमेंट कितनी दी हुई है विटामिन ए 8 यूनिट और विटामिन सी 10 जो हाँ तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर जो मिक्सचर बना है उसमें रिक्वायरमेंट क्या दी गई है कितना होना चाहिए विटामिन ए 8 और कितना होना चाहिए एटलीस्ट 8 एटलीस्ट 10 क्या क्वेश्चन में सारा गिवन डेटा को तुमने लिख दिया क्या ढंग से अरेंज करके कॉस्ट मिस हुआ है हमारा तो कॉस्ट किसका मिस हुआ है यहाँ पर कॉस्ट ना फूड वन का तो फूड वन का कॉस्ट क्या है 50 फूड टू का कॉस्ट कितना है 70 ठीक है अब सारा डेटा लिख दिया क्या हमने मुझे बताओ जो क्वेश्चन का लास्ट लाइन था मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच मिक्सचर तो मेरा कॉस्ट फंक्शन बनेगा ना यहाँ पर बताओ कॉस्ट फंक्शन क्या है बोलो 50x plus 70y बहुत अच्छा 50x plus 70y कंस्ट्रेंट्स क्या है कंस्ट्रेंट्स क्या है बताओ व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स बोलो और कोई कंस्ट्रेंट x and y greater than 0 ठीक है Now this is a simple problem ना once you do this ये बात चमकती है क्या yes sir ये बात चमकती है now you can solve this yes sir जरा solve करो अब okay sir copy this copy and solve let's see what happens
अरे रीजन तो अनबाउंडेड आ रहा है. हाँ तो क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया तो सॉल्व तो होगा ही ना. नहीं मतलब सर अनबाउंडेड रीजन में तो प्रोबेबिलिटी होती है ना कि मैक्सिमम या मिनिमम अनडिफाइंड होगा, लेकिन ये केस में कैसे अनडिफाइंड हो सकता है? नहीं होगा, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, आंसर आएगा. अनबाउंडेड रीजन में मैंने क्या बोला था, हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो. तो सॉल्व करके देखेंगे ना अपन, तो है कि नहीं है, है ना? हाँ सर. अब तक आप लोग शायद कॉर्नर पॉइंट तक पहुंच गए होंगे ना प्लॉट करने के बाद. आरना कॉर्नर पॉइंट तक पहुंची? सर बस वही कर दो एक मिनट. श्रिया? यस सर. हाँ बेटा कॉर्नर पॉइंट तक पहुंचे क्या? सर वही निकाल रही हूँ, वो थर्ड पॉइंट. निकाल निकाल चल निकाल. सर 380 आंसर है. हाँ बेटा कॉर्नर पॉइंट बताओ क्या आया. कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? 2.4, 0.8 और 10.0. और वैल्यू क्या आई रही ऑब्जेक्टिव फंक्शन की? 380, 560 और 500. सर 2.4 के लिए 380 फिर 560 और 500. तो अपन को मिनिमाइज करना था, ये पकड़ लिए, इसको M बोल देंगे, लेकिन इसको हम क्या नहीं बोल सकते अभी तक. अभी तक हम लोग क्या नहीं बोल सकते? मिनिमा नहीं बोल सकते. तो क्या करेंगे, ये चीज प्लॉट करके चेक करेंगे किसके साथ? इंटरसेक्शन चेक करना पड़ता है ना बेटा, किसके साथ बोलो? विथ फिजिबल रीजन के साथ. फिजिबल रीजन, विथ फिजिबल रीजन. अगर इंटरसेक्शन फाई आ गया तो ये जो एम है वो मिनिमा है. अगर फिजिबल रीजन फाई आ गया तो अगर फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन फाई आ गया तो जो अनबाउंडेड, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है समझ, तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ यार? हाँ सर. फीलिंग समझो यार, मैं उसी में बोलते रह जाऊंगा बहुत. मतलब कभी पढ़ा, मैं फर्स्ट टाइम चेंज किया है स्ट्रेटजी 7-8 साल में, कि पहले यही टॉपिक जो मेरी एक बच्ची है पनवेल पे है, श्रेया नायर करके है, उसके मैथ्स में 21 सही है. उसने 4 क्वेश्चन पढ़े ही बनाए नहीं. कौन से? रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, LPP. क्यों सर? वो मन नहीं किया, एंड में पढ़ाया था आपने, तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो ये तो टॉपिक कर रहे हैं अपने को अच्छे से. यहाँ तक क्लियर है? सर ऐसे क्वेश्चन में मिनिमा नहीं होगा, ऐसे में होगा. क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बोल रहे? ऐसे वाले क्वेश्चन में जो मिनिमा नहीं होगा, ऐसे में होगा. क्या आवाज नहीं आ रही साफ से, क्या बोल रहा है बच्चा? सर ये जो क्वेश्चन है उसमें मिनिमा नहीं है, ऐसा भी कोई केस होगा? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ है. हाँ तो हो सकता है ना बेटा, आप इन नंबर्स को ऐसे घुमा के देखो जो इंटरसेक्शन नहीं आए. कल एक क्वेश्चन किए थे तो अपन, इसमें मैक्सिमा आ रहा था मिनिमा नहीं आ रहा था, तो हो सकता है ना. क्योंकि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस यही है, ये टॉपिक एक्चुअल में यूज किया जाता है. जैसे मैं जब इंटर्न, जब मैं कैंपस में था, मेरा केमिकल डिपार्टमेंट है ना, तो जब मैंने इंटर्न किया था, ठीक है, एक प्रोफ के अंदर काम किया था, तो उसमें एक्चुअली हम लोग ये काम करते थे. ऐसा मतलब जैसे केमिकल कंपनी बनती है ना, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं उसमें, कि कितनी कितना कितने कहाँ से सामान लाया जाए, कैसे देखा जाए. बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ये उन मेथड्स में से सिंपलेस्ट मेथड होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड.
जैसे जैसे ऊपर जाते हो आप पढ़ते हो सिंप्लेक्स ड्यूएल वगैरह वगैरह, समझ रहे हो? ठीक है, ये एक्चुअल बहुत ही, ये टॉपिक जो है ना इट्स एक्चुअली प्रैक्टिकल टॉपिक. प्रॉब्लम ये है कि चूंकि एडवांस में नहीं है तो लोग फैकल्टी उड़ा देते हैं इस टॉपिक को. जब आप जाते हो कैंपस में आईआईटी वगैरह में तो पढ़ना ही पड़ता है वापस से, ऑपरेशनल रिसर्च करके टॉपिक आता है उसमें. इट्स वेरी तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आपका 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 यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आया बताओ, फाई आया कि नहीं आया? सर फाई आया. इंटरसेक्शन फाई आया. फाई आया इसका मतलब 380 इज द मिनिमम वैल्यू. मतलब आप क्या बोलोगे, किस आप क्या बोलोगे, 380 इज द मिनिमम वैल्यू, हेंस 2.4 इज हमारा काम का चीज. 2.4 काम का चीज मतलब फूड 1 का आप 2 kg यूज करो और फूड 2 का 4 kg यूज करो. चमका हेलो. हाँ सर समझा. अरे गायब हो जाते हैं लोग बोल के. चलो एक और आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, इसमें रैप करें इसको. यस सर. रैप करूं इसको मैं अच्छे से? यस सर. लिखो, अ मैन्युफैक्चरर हैज, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 machines ABC installed in his factory. मैं बोल के लिखू चलेगा ना? बोलू ना कि लिखू पूरा, टाइप करू, क्या करूं मैं, मर जाऊंगा लिखते लिखते. सर स्लोली डिक्टेट कर दीजिए. डिक्टेट कर देते हैं. चलो एक डिफरेंट क्वेश्चन यही कर. चलो ठीक है. A manufacturer has 3 machines ABC. Machines A and B are capable of being operated for at most 12 hours, whereas machine 3. Sir, please repeat. Corona. A manufacturer has 3 machines. Three machines A, B, C installed in his factory. यहां तक लिख लिए? Yes, sir. Machines A and B are capable of being operated for at most 12 hours. Machines A and B are capable of being operated for at most 12 hours. Whereas machine 3 must be operated for at least 5 hours a day. ठीक है. सर रिपीट कीजिए ना एक बार. ओह रिपीट करना, एक मिनट रुको यार. रुक जा, इसको निकाल रहा हूँ मैं एक्चुअली ना, एक मिनट. सर ग्रुप पे फोटो भेज दो ना. वही कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, जो कि मेरा आईपैड डिस्चार्ज हो गया है. मैथ क्लास था. ठीक है. मैं आपके ग्रुप का नाम ही भूल गया, क्या था? मैथ्स विजेता. मैथ्स विजेता. और उसमें बाकी बच्चे कंफ्यूज जाएंगे ना क्या कर रहे हैं सर. एक काम करता हूँ सोना, मैं एक काम करता हूँ, मैं भेजना तो पड़ेगा ना मुझे कहीं ना कहीं, तो
लिखो यार, लिखने में दिक्कत है फिर बाकी बच्चे क्लास के बीच में कंफ्यूज रहे कि मैंने क्या भेज दिया, कैसे भेज दिया, मेरी दिक्कत आएगी ना यार। तो सर पीएबी2 बैच में भेज दो वाली ग्रुप। हाँ बट वो ग्रुप में तो अटेंडेंस है, उसमें क्वेश्चन कैसे भेज सकते हैं। ठीक है चलो लिखो, आप लिखो साथ साथ लिखते हैं। कहाँ तक लिखे हो बताओ? ट्वेल्व आवर्स तक ही लिखे हो। वेयर इज मशीन सी मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एट लीस्ट 5 hours अ डे। यहां तक लिख लिए? बोलो। यस सर। यहां तक लिख लिए ना? yes, अभी मैं इसके आगे ना मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, मैं पागल हो जाऊंगा नहीं तो। ठीक है, सी प्रोड्यूसेस ओनली 2 items M and N। मशीन सी ना? हाँ मशीन सी। मशीन सी मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 hours अ डे। टू सी प्रोड्यूसेस ओनली 2 items M and N ईच रिक्वायरिंग 3 machines। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब वो कैसे है वो बता रहा हूं। M के लिए मशीन A, मशीन B, मशीन C, N के लिए M, N, M के लिए 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा, N के लिए 2 घंटा 1 घंटा 1.25 hours। इतना दोनों M को बनने के लिए A पे इतना टाइम डालना पड़ेगा और B को इतना और C को इतना। यहां तक क्लियर है क्या? yes. She makes a profit of 600 on M and 400 on N. How many of each M and N should she make to max her profit? यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? हाँ। क्वेश्चन को अगेन से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ट्राई करो समझने का क्या हो रहा है। आधा तो मैंने ऐसे ही कर दिया है ना? दो बार क्वेश्चन रीड करो आराम से, देन सी व्हाट इज हैपनिंग।
क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लिए क्या? हेलो गाइस, क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया क्या? हेलो, क्वेश्चन में पहला लाइन, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे? फर्स्ट लाइन बताओ। प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन के पहले क्या लिखोगे बे? पहले प्रॉफिट फंक्शन के पहले क्या लिखोगे बताओ? लिखोगे ना बेसिक, सबसे पहली चीज क्या लिखोगे? एम बी एक्स एंड एम वाई। एम कितना बनाया गया? एक्स। एन कितना बनाया गया? वाई। प्रॉफिट फंक्शन कितना आया बताओ? 600x + 400y। हो गया। अब कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं? व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? पहला ऑब्वियसली, ऑब्वियसली और कंस्ट्रेंट्स क्या है बताओ? व्हाट आर द फर्दर कंस्ट्रेंट्स? कंस्ट्रेंट किस पे है बताओ? मशीन कितने देर काम कर सकती है? कंस्ट्रेंट किस चीज पे है? मशीन एक कितने देर काम कर सकती है? 12 एट मोस्ट 12 और मशीन सी एटलीस्ट 5 यू कर सकती है। एटलीस्ट 5 है ना, एटलीस्ट। और ये दोनों कैसे हैं? एट मोस्ट। तो अभी कंस्ट्रेंट इस पे आएगा ना, क्या आएगा बताओ? x + 2y = 12। हाँ, दूसरा कंस्ट्रेंट 2x + y = 2। तीसरा कंस्ट्रेंट x + 1.25y = 5। अरे ये बात चमकती है क्या? और कोई कंस्ट्रेंट है? सारा कंस्ट्रेंट खत्म हो गया? हो गया ना। सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व हो गया।
कितना आंसर आया? हेलो सर, स्टिल सॉल्विंग इट। दीपक कितना आंसर आया? दीपक कौन बोल रहा है? ओमकार। ओमकार सही है। दीपक तुम्हारा आंसर कितना आया? और जेड ए वाई एन कौन है भाई? जेड ए वाई एन कौन है? कौन से लोग हैं? दीपक पांडे कौन है भाई? कभी जवाब देता नहीं क्लास में। हेलो किसी को आइडिया है क्या कौन है बेटा ये बच्चा? ये दीपक पांडे जवाब दो यार क्लास में हो तो। सर हो गया। कौन बोला? सर मैं। नाम बताएगा ना बेटा? दिव्यज। दिव्यज दिलारे। अच्छा सर 4000। हाँ बेटा भाई दीपक पांडे मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ आपको, आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। मैंने कल भी क्लास से बाहर निकाला था, आज भी निकाल दूंगा। ठीक है निकाल दिया मैंने। जेड ए वाई एन हु इज दिस? जेड ए वाई एन। हाँ बेटा मैं नया हूँ। नाम बताओ बेटा। जैन। ओके ठीक है चलेगा। हाँ फोर्थ थाउजेंड इज द आंसर। क्लियर है क्या? यस सर। फोर्थ थाउजेंड इज द आंसर। यहां तक क्लियर है? यस सर। मैं सॉल्व करूं कि सबको क्लियर है? अच्छा एनीवेज अपन ने ये बना दिया है ना। ठीक है मेरी एक बात सुनो। ठीक है मैं आपसे एक बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूँ फाइन। और ये हर दिन नहीं करूंगा मैं यार, मेरे को पढ़ाने से मतलब होता है, सब फालतू चीज मैं पसंद नहीं आती है। मैंने इसलिए फिजिक्स फैकल्टी भी हम लोगों ने चेंज कर दी। ठीक है जेपीएन सर को डाला है बैच में, और अब मैं जेपीएन सर एवाडी सर भले ही हम लोग कितना भी दूर रहते हैं, सेंटर खुलेगा ही, आपको भी दिख रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, जून 15 सेंटर खुल जाएगा ऑफलाइन, हम लोग आएंगे। ठीक है दो चीज ध्यान रखो हमेशा कि आप पढ़ने आए थे, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है इस सिस्टम में कल को कोई और निकल जाए अंतर नहीं पड़ता है, कोटा से कोई और आ जाएगा, कोई और निकल जाए कोटा से कोई और आ जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी, लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन अंधेरी सेंटर पे और चर्चगेट सेंटर पे सेम सिचुएशन बेटा हुई थी। मैं लास्ट टाइम बातें कर रहा हूं आपसे इस मामले में, इसके बाद नहीं करूंगा। सेम सिचुएशन अंधेरी सेंटर पे हुई थी और सेम चर्चगेट सेंटर पे हुई थी। कुछ फैकल्टीज थे उनको जाना था नहीं जाना था, बच्चों को अलग से पढ़ाया वगैरह किया, दो महीने पढ़ा पाए बस, बस दो महीने जुलाई अगस्त। उस दौरान वो 10-15 बच्चे उधर पढ़ते थे कभी इधर पढ़ते थे, आज के डेट में उन 10-15 बच्चों का मेंस में 15-20-25 परसेंटाइल भी नहीं आया। अभी वापस से हमसे रिक्वेस्ट करके हेल्प ले रहे हैं, लेकिन कितना हेल्प कर सकते हैं? फालतू में कंफ्यूजन मत करो, फालतू में कंफ्यूजन मत करो। आप देखो एक्सपीरियंस क्या है, लास्ट ईयर भी वहां पे फिजिक्स की फैकल्टी थे अंधेरी सेंटर पे एमडीए सर, और चर्चगेट पे भी थे एमडीए सर, और एक केमिस्ट्री सर भी थे। ठीक है वो सेम प्रॉब्लम्स हुई थी, दैट टाइम उनको रेंजर से निकाला था, मैंने खुद ने निकाला था इसी कारण से। ये चीज करनी नहीं है। मैं जो भी आपकी क्लास में बोलता हूँ बहुत सारी चीजें मुझे सामने वाले से सुनाई देती है, अरे आपने बैच में ऐसा क्यों बोला, आप बैच में ऐसा पढ़ा रहे थे, अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना है मुझसे पढ़ो। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, ठीक है
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आईआईटी से हूँ इसलिए मुझसे पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ मैं 12 साल सिस्टम में हूँ, लगभग 150 से 200 आईआईटीएन मेरे से पढ़ के जा चुके हैं, मैंने गारंटी देता हूँ कि आपका आईआईटी होगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ मैं आपको मैथ सिखा दूंगा और थोड़ा सा मैं भी सीख लूंगा, बिकॉज मैं आज भी नहीं कहता मुझे मैथ्स आती है, अभी भी कहीं मैं जाता हूँ कहीं से मिलता हूँ लोग बोलते हैं सर आप क्या करते हो, मैं बोलता हूँ आई लर्न मैथ्स विद द किड्स, मुझे मालूम है क्या होता है, लास्ट ईयर भी सितंबर में वो सारे 10-12 बच्चों का सब दिक्कत हो गई, ठीक है, अभी आज जेपीएन सर पढ़ाए थे ना आप लोगों को, हेलो यस सर, हाँ अभी आज जेपीएन सर पढ़ाए थे, ठीक है, अभी देखो मैं ये कह रहा हूं कि हर फैकल्टी का तरीका अलग होता है, ठीक है, जेपीएन सर थोड़ा सा मस्ती वस्ती कम करेंगे जितना मैं कर सकता हूं, बट ही इज मतलब बाई फार ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, लास्ट टाइम जहां पे हम तीनों पढ़ाते हैं मैं एवाईडी सर और जेपीएन सर जिस सेंटर पे हम तीनों लास्ट ईयर पढ़ाए थे पनवेल सेंटर पे लास्ट ईयर 2020 आईआईटी एडवांस हमारे सेंटर मतलब जिस सेंटर पे हम तीनों को रेजनेस ने पढ़ाने को भेजा था पनवेल आपने नाम सुना होगा नवी मुंबई में है वहां से 27 बच्चे आईआईटी गए थे मैं नहीं कह रहा हूं कि पिछली रैंक 27 बच्चे आईआईटी गए थे, ठीक है, फालतू में कंफ्यूजन मत करो, कोई फैकल्टी कुछ बुरा नहीं मानता है, 2 महीने में सब कुछ खत्म हो जाती है चीजें यहां से वहां पहुंच जाती हैं और आपका सिलेबस बचा रह जाता है, आप कंफ्यूज होके रह जाते हो, मेरी एक सिंपल सी बात है जो लोग बी फेस के हैं यहाँ पे, ठीक है, बी फेस से कौन कौन लोग हैं, कोई कुछ कोई भी है बी फेस से, ठीक है बेटा आपका सिलेबस कहां तक हुआ है मैथ्स से बताओ मुझे, बोलो कहां तक हुआ मैथ्स में, कहां तक पढ़ाया आपको 11 में सर ने, फ्रेंकली बात करो मेरे से, बोलो आप, बहुत हुआ नाटकबाजी अभी, बोलो आप कहां तक पढ़ाया सर ने आपको, सर्कल तक पढ़ाया, हाँ सर बट कोई चैप्टर माइंड सर पढ़ाते थे कोई चैप्टर एग्जामिनेशन सर पढ़ाते थे, हाँ तो मैं भाई वो डिसाइड मैंने किया हुआ था कौन क्या पढ़ाएगा, मैं कह रहा हूँ सर्कल वॉज द लास्ट चैप्टर, ठीक है, इट शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय जनवरी फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है, एनीवेज AB1 में लास्ट चैप्टर क्या पढ़ाया गया है सर, सर्कल्स, सर्कल्स कब खत्म हुआ आपका सिलेबस, खत्म हुआ ही नहीं सिलेबस, नहीं सर अभी तक बाकी है लास्ट पार्ट, ठीक है फाइन, अंधेरी का कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे 11th का, अंधेरी बैच सुनो बी फेस का हमेशा सिलेबस थोड़ा सा पीछे रहता है, 11th के हर बैच का सिलेबस जनवरी 20 को खत्म हो गया था, हर बैच का, मेरे बैच में मैं आपसे 3 चैप्टर आगे हूँ जहां पनवेल पढ़ाता हूँ, एवाईजे सर अंधेरी में पढ़ाते हैं 11th का बैच 3 चैप्टर आगे हैं, 3 चैप्टर्स वो आगे हैं, ये बात समझो आप, 3 चैप्टर्स ही इज मोर देन यू ऑल, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ रीजनिंग ये इसको बिना काउंट किए हुए, इतना सिलेबस लेट क्यों हुआ आप लोग का, AB1 बैच में क्या हुआ था, इतने सिलेबस लेट क्यों हुआ आप लोग का AB1 बताओ मुझे क्या हो गया, मैथ्स में इतना सिलेबस लेट क्यों चल रहा है, बोलो बताओ, AB1 बैच कम ऑन नाउ, अब आप मुझसे फ्रेंकली बात करो यार, बोलो क्यों आपका सिलेबस इतना स्लो चल रहा है, क्या लेट हो गया सिलेबस बताइए, थोड़ा स्लो चलते थे और कुछ नहीं, स्लो चलने का क्या मतलब बनता है मुझे बताओ, आपका सिलेबस खत्म करना है कि नहीं करना है, खत्म करना है ना सिलेबस, हाँ सर खत्म करना है ना बेटा सिलेबस बताओ, यस सर, फिर अभी सिलेबस की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, आपके जो लास्ट के 3-4 मंथ के पेपर्स होते थे हमेशा उसमें टॉपिक्स क्वेश्चन कम होते थे, आप लोग के मैक्सिमम पेपर सेम टॉपिक्स पे होते रहे क्योंकि सिलेबस नहीं हुआ AB1 में, और मुझे कभी समझ में नहीं आया कि AB1 में सिलेबस क्यों नहीं हुआ, कभी लेक्चर सुबह कभी लेक्चर शाम कभी लेक्चर्स कैंसिल हो गए, कुछ लेक्चर्स ज्यादा कैंसिल नहीं हो रहे थे, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कैंसिल से ज्यादा पोस्टपोन्ड होते थे, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बच्चा सुबह 8 बजे उठा कि मेरा मैथ्स का लेक्चर है, मालूम चला 10 बजे से है, मालूम चला 12 बजे से है, तो दिन भर मैथ्स का तैयारी करते रहेगा क्या वो लेक्चर का, मैं वही बोला ना सिलेबस टाइम पे होना चाहिए,
सिलेबस टाइम पर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा, देखो मैं तुमको कितना भी पढ़ा दूं, ठीक है, मैं तुम लोगों ना नेक्स्ट दिन एक बच्चे से मिलवाऊंगा, संकेत पोदार एक बच्चा है मेरा, 3000 रैंक आई थी सर, मिलवाऊंगा, जानते हो जितना मैं सिखाऊंगा ना उससे तुम 50% ही सीखोगे, मैं ये बता रहा हूँ तुमको, ध्यान रखना, बाकी 20% तुम सेल्फ स्टडी से सीखोगे। और सेल्फ स्टडी कब कर सकते हो? जब हमारे पास टाइम हो। मेरे पास टाइम तो नहीं बचा ना अभी, तो मेरे पास टाइम तो फंस गया ना, तुम्हारे पास तो टाइम फंस गया ना बेटा, क्यों फंस गया? सर क्योंकि लेक्चर्स पोस्टपोन होते थे, सिलेबस आपका फंस गया है ना बेटा। हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अपना दिमाग लगाओ, अभी आप लोग का सिलेबस का ऐसी दिक्कत है, एक्चुअली थोड़ी दिक्कत है सिलेबस की, ठीक है, तो उसमें कैसा होगा, अभी जेपीएन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और सर मेरे से कम नहीं पढ़ाते हैं, रेजोनेंस में सबसे ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ, सबसे ज्यादा, उसके बाद जेपीएन सर पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कैसा है, अभी सर भी आपको होमवर्क देंगे, सर भी आपको डांटेंगे, मैं भी आपको डांटूंगा, एवाईडी सर डांटेंगे नहीं, सर प्यार से डांटेंगे, और फिर भी आपके आंसू आएंगे, ठीक है। तो अभी अपने पास ऑप्शन ये बचा है ना कि जो भी क्लास होगी, ऐसे ग्रुप बनाया मैंने सुबह, ठीक है, आपको डाउट था कुछ लोगों को 9 और 10 पे था ना? यस सर। ग्रुप पे पूछो ना, मैं दिन भर व्हाट्सएप खोल के बैठा रहता हूँ, तुम लोग कहो मैं तुम लोग को पनवेल वाले ग्रुप में ऐड कर देता, तुम देखो हर 2 सेकंड में क्वेश्चन आता है, दिन भर में 100 क्वेश्चन आते हैं उस ग्रुप पे, आपको कुछ भी डाउट है सॉल्व करो। अभी इस वक्त 11th में जो हुआ है मैथ्स का, आई प्रॉमिस मैं सही करूंगा आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है, बट पहले 12th का हमको करना पड़ेगा अच्छे से। अभी मैंने आपका सर्कल उस दिन ट्राई किया बताने का थोड़ा बहुत, मैंने सर्कल ट्राई किया बताने का थोड़ा बहुत, ठीक है, फाइन। अभी ऐसा है कि सर्कल के साथ साथ अभी कोनिक शुरू करूंगा मैं जुलाई में, उसके पहले मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो मुझे संडे को उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी। मैं जब भी पढ़ाता हूँ मुझे होमवर्क देने की प्रॉब्लम है, मैं व्हेनेवर आई विल टीच यू आई विल गिव यू होमवर्क, नो क्लास कैन गो विदाउट होमवर्क, नो क्लास कैन गो विदाउट डिस्कशन, आपके 11th का डीपीपी डिस्कशन भी करना होगा, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ जेपीएन सर भी करेंगे 11th का डीपीपी डिस्कशन, तो आपका टाइम कम बच गया, ये बात चमकती है? Yes, sir. ठीक है, अभी मेंटल क्लैरिटी लाओ दिमाग में कि कोई IIT बॉम्बे का अगर कोई टीचर आ जाता है तो भगवान नहीं होता है, ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखो कि बंदा क्या पढ़ा रहा है आपको, वो क्या गाइड कर रहा है। हूं मैं IIT बॉम्बे का, 1000 रैंक थी मेरी, लेकिन उसके बाद भी मैंने 10 साल में कम से कम 100-150 IIT दिए करे हैं मैंने, ठीक है, बट मोर देन दैट जो बच्चे IIT नहीं गए हैं वो कहां पे, ये मुझसे पूछो, ये बताऊंगा तुमको, ऑलमोस्ट मैक्स ऑफ देम बाहर है, मैक्सिम बाहर है, PhD कर रहे हैं बाहर, मैंने रहने नहीं दिया किसी को इंडिया में, ठीक है, ये फालतू टाइम पास नहीं करने का है, जो हमको आता है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो नहीं आता है आप डाउट पूछो। कल मुझसे एक बच्ची ने बस कहा कि सर वो NCERT की लिंक दे दो, बाकी किसी ने वीडियो भी नहीं मांगा लेक्चर का, आपको मांगना चाहिए था ना, आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना, अभी ग्रुप है DPP है, कुछ लोगों का आ रहा है सर DPP आज से मत शुरू करो, स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद से शुरू करो, ऐसा करना है क्या? हाँ सर। एवरीबॉडी एग्री कर रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद से शुरू करें? यस सर। आज कोई नहीं करके रखा है क्या DPP? नहीं सर। नहीं सर, आज सुबह नहीं हो पाया सर। 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं सर, बीच में वो एग्जाम भी था 2 से 3। अच्छा ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि स्कॉलरशिप टेस्ट के अगले दिन से मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, चलेगा सर। लेकिन जो भी मन आता है बोलना चाहिए ग्रुप पे, मन में चीजों को मत रखो, ठीक है, क्योंकि मुझे आज ही दिन मालूम चला कि अंजार सर पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स MPD सर के साथ, बाकी मैंने कहा खत्म करो यार, बता के यार क्या हो चुका है लास्ट ईयर, ये सब नहीं करना है यार, जो करना है दिल से करना है, दिल से पढ़ेंगे, प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, प्रॉपर मटेरियल लेंगे, ढंग से पढ़ाई करेंगे। नहीं समझ में आता है किसी भी फैकल्टी का आप मुझसे बोलो, आपको किसी भी फैकल्टी का नहीं समझ में आता है मुझसे बोलो, मेरा समझ में नहीं आता है मुझसे बोलो,
जितना हो सकेगा उतना मैं हेल्प करने को तैयार हूँ सर। बस केएसपी सर का थोड़ा नहीं। क्या है केएसपी सर का बताओ, किस बैच से बोल रहे हो तुम, बोलो बैच बोलो सर। बीए1 बीए1 AB1 की BA1 क्या बोल रहा है तू? BA1 सर, BA1। तेरे को 12th में किसने पढ़ाया था, 11th में किसने पढ़ाया था? सर आधा कामेश सर ने, आधा केएसपी सर ने। आधा कामेश सर ने, आधा केएसपी सर ने, ठीक है। अभी AYD सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, उनका आ रहा है। क्या पढ़ा रहे हैं वो? फिजिकल। फिजिकल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बार चीजों को सेटल होने दो, AYD सर पूरा बैच ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। तुम लोग इस बारे में AYD सर से बोलो, अगर कोई फैकल्टी चेंज। हाँ सर ने समझाया होगा कुछ, समझ लो ना सर जो कह रहे हैं सर। सर ने यही बोला होगा ना कि आप पढ़ो, उनसे दिक्कत आएगी तो देख लेंगे, यही बोला है सर ने। हेलो yes। अगर जरूरत पड़ेगी तो कंप्लीटली वही हो जाएंगे, हम ही तीनों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तीनों से पढ़ने में इतना ध्यान रखना, दिक्कत बहुत आएगी आपको, क्योंकि लेक्चर्स पोस्टपोन्ड नहीं होंगे, लेक्चर कैंसल नहीं होंगे, और एक्स्ट्रा लेक्चर की भरमार आ जाएगी आपके ऊपर, यह बात ध्यान रखना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना मिलवाता हूँ अपने तीनों से पढ़ाया बच्चों से, थोड़े से आपको मालूम चलेगा। लेकिन इतनी गारंटी दे सकते हैं कि आपका आपको ढंग से पढ़ना होगा यार, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपको कहीं पढ़ना है आप वहां जाके पढ़ो, अपना फ्यूचर देखो कि आपको सिस्टम का सपोर्ट है कि नहीं है, आपको टेस्टिंग कैसे होगी ऑनलाइन, मटेरियल कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने अभी 15 दिन में मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब चीज ध्यान देनी पड़ेगी आपको। अभी LPP है, मैं चाहूं 10 दिन तक पढ़ाऊं, क्या फायदा होगा उससे, क्वेश्चन तो एक ही आएगा ना मेंस में। भाई मैक्सिमम तो आपको LPP में आपने प्लानर देखा है, आपके ग्रुप में प्लानर पोस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था 12th का? हां सर, हां सर। प्लानर में कितने लेक्चर है LPP के? 2 हैं, 2 में हो गया ना LPP। हर फैकल्टी को प्लानर रहता है, इस प्लानर में खत्म करना है। अगर आप प्लानर फॉलो करोगे तो सिलेबस हमेशा टाइम पे खत्म होता है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। और मैक्सिमम दिक्कत बी फेज की आ रही है ना, क्योंकि तो देखो ना बी फेज में जो आप जो बोल रहे हो, सिलेबस 11th में खत्म होना चाहिए ढंग से। ऐसे मैंने STM लिया था तो भी कुछ चीजें मालूम चली थी मुझे, ठीक है, नो डाउट, उसको भी सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, बट फालतू के उसमें मत पढ़ो। अब ऐसे कामेश सर है, ठीक है, कामेश सर क्या जयपुर से आने वाले हैं क्या, उनकी शादी होने वाली है, जयपुर रहने वाले हैं वो, जून से आने वाले हैं क्या यहाँ पे? नहीं आने वाले हैं ना, तो क्या आप साल भर ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ोगे? ये तो बेवकूफी है ना यार, अगर ऐसे ही करना है आपको। मेसॉन इम्पल्स का मैंने चैनल दिया है ना, अरे कल जो आपके ग्रुप पे मैंने लिंक पोस्ट की थी ना एक चैनल की, हाँ या ना? हाँ, उसी में ना एक और चैनल आपको मेसॉन दिया था, क्वार्क दिया था, मेसॉन दिया था, है ना? हाँ सर। तो मेसॉन इम्पल्स पे आप AP1 के लेक्चर्स देख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, आपका पूरा 11th का रिवीजन हो जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है केमिस्ट्री में तो AYD सर का AP1 AC1 करके बैच होगा, उस पे AP1 AC1 केमिस्ट्री, AP1 AC1 मैथ्स, AP1 AC1 फिजिक्स, ठीक है। आप एटलीस्ट केमिस्ट्री तो देख ही लेना, ठीक है, मन करे कभी कभी तो मैथ्स देख लेना, वो पूरा लेक्चर वहां पड़ा हुआ है आपका 11th का। आप अगर रिविजन करना चाहते हो उन लेक्चर से आप रिवाइज कर सकते हो। आपको YouTube पे खेलना आता है ना, प्लेलिस्ट ओपन करना आता है ना? हाँ सर, हाँ सर। अरे आपके लास्ट ईयर के भी तो लेक्चर हर दिन अपलोड होते होंगे कि नहीं होते थे? कि कभी होते थे कभी नहीं होते थे, क्या था बताओ? होते थे सर, होते थे सर, होते थे ना, तो ठीक है आप उससे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है अगर AYD सर का लेक्चर, आपको जो टॉपिक कमजोर लगता है 11th का उससे आप देख लो, ये बात चमकती है, ठीक है, क्योंकि ये फालतू में अपन कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एनीवे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? यस सर, यस सर, ठीक है। बिकॉज एक बात ध्यान रखना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है, ये ऑलवेज टेक केयर। कि जो बंदा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप बस दिन भर मस्ती करो, मस्ती करो लेकिन पढ़ाई भी करनी होती है।
अब मैं आईआईटी बॉम्बे का हूँ, मैं दिन भर आपको आईआईटी बॉम्बे की कहानियां सुनाऊ, उससे आपका आईआईटी हो जाएगा? नहीं होगा ना, ऑब्वियस ही बात है, नहीं होगा ना। आईआईटी कैसे होगा आपका बताओ? पढ़ने से होगा ना। मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ कि आईआईटी जाने के रास्ते क्या हो सकते हैं? अब आईआईटी के अंदर क्या किया मैंने बता के मैं क्या कर लूंगा आपको, बताऊंगा बाद में, थोड़े बड़े हो जाओगे, बट जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब। अभी तो अपना काम क्या है, पढ़ाई करना है। बोलिए, मैं आपको मिलवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, एक बच्चे को बुलाता हूँ मेरे जो अभी कैंपस में, बॉम्बे कैंपस में पढ़ रहा है, और एक खड़गपुर वाले को बुलाता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। एनीवेज सुनो, होमवर्क जो है ना, होमवर्क दे रहा हूं मैं फिलहाल, 12.2 और मिसलेनियस, 12.2 और 12.2 मिसलेनियस, ये बात चमकती है? ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है, आपको 10th क्लास से रिवाइज करके आना है मीन और मीडियन, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालते हैं। यह बात चमकती है? इस चीज पे मैं एक ओरल टेस्ट लूंगा, ये बात चमकती है क्या? आपने होमवर्क में वो सेकंड क्या दिया? चैप्टर 12 में 12.2 और 12.2 मिसलेनियस, सेकंड होमवर्क है मीन मीडियन ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा का निकालना। आपने टेंथ में पढ़ा है ना ये पार्ट? तो नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो आपको रिवाइज, आपको बुक से रिवाइज करके आना है। हम नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है? मैं आपको भी एक लेक्चर भेजने वाला हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग का, जब बैच के सारे लोग सुन लेंगे तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? 2 घंटे का लेक्चर है, वो सुनोगे देन आई विल टीच द टॉपिक अगेन मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर नहीं सुनोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक। रब करें यहाँ, ठीक है? ठीक है सर। थोड़ा सा स्टार्टिंग का एक महीना आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें करानी है मुझे, ठीक है? जस्ट कीप कूल, हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो सर। हाँ बोल सर, जो क्वेश्चन किया था हमने लास्ट का पेपर, वापस उसका आंसर बता दोगे? कितना आया था यार, मैं ध्यान नहीं है, 4,000 था क्या? 4,000 4,400 आ रहा है। आपने कैलकुलेशन गलती करी होगी। मैं एक बार रुक जा, एक मिनट रुक, मैं बुक का आंसर चेक करता है। चार हजार आ रहा है रे, तेरा क्या है पॉइंट? 4,4 आया ना? हाँ सर 4,4। तो डालना बे 600x+400y में। अबे 600+400 है ना, 600x+400y है ना, तो 400 × 4 सर मैं वो 500 ले लिया था। अभी कोई कुछ और बोल रहा था ना, क्या बोल रहे थे इस टेस्ट में? सर वो टेस्ट डिफिकल्ट होगा, मेजर टेस्ट बहुत सिंपल था, और वो बस आपके बैच पे सिंपल रखा गया था, मतलब सर्कल वर्कल हुआ ही नहीं है, ठीक है? तो पेपर टफ नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं रहेंगे, बट क्वेश्चन अच्छे डालूंगा मैं पेपर बना रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आपको अगर बेसिक आता है आपका बना लोगे, ठीक है? चलो थैंक यू सर।